ये बड़ी खबर सामने आ रही है। नहीं थम रहा है कुश्ती का दंगल, महिला पहलवान अंतिम पंगाल ने सवाल उठाए हैं विनेश फोगाट पर। ये सवाल उठाए हैं कि सीधे एशियाई खेलों में एंट्री से नाराजगी ये जताई है कि कैसे सीधे एशियाई खेलों में एंट्री मिल गई है। तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है और एक बार फिर से अब सवाल उठ रहे हैं, विनेश को सीधे क्यों भेजा जा रहा है? ये पंगाल ने सवाल पूछा है। विनेश ने एक साल से अभ्यास नहीं किया, उसके बावजूद इजीली तरीके से उनको एंट्री मिल गई। मैंने जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है और एशियाई खेलने वाले वर्ल्ड चैंपियनशिप लड़ेंगे, ये भी उन्होंने कहा है, ये भी दावा किया है। वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतने वाले ओलंपिक जाएंगे, ऐसे में हमारी मेहनत का क्या होगा? ये सीधा सीधा अंतिम पंगाल ने सवाल पूछे हैं कि विनेश को किस बेस पर, किस आधार पर भेजा जा रहा है। एक साल से कोई प्रैक्टिस नहीं की है, कोई भी अभ्यास उन्होंने नहीं किया है, उसके बावजूद भी सीधा उनकी एंट्री हो जाती है एशियाई खेलों में, हमारी मेहनत का क्या होगा? हम लंबे समय से स्ट्रगल कर रहे हैं, हमने गोल्ड मेडल भी जीते हैं, उसके बावजूद भी हमें इतना इंपॉर्टेंस नहीं मिला जितना कि विनेश फोगाट को मिल रहा है। जो एशियन गेम्स हो रहे हैं उनमें विनेश जी को सीधा भेजा जा रहा है, बोल रहे हैं पिछले, जबकि उन्होंने एक साल से कोई भी प्रैक्टिस नहीं की है, उनकी कोई भी अचीवमेंट नहीं है, जबकि मेरा पिछले साल 2022 में जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल आया था और मैं भारत की पहली महिला बनी थी, और 2023 में सीनियर में अभी एशिया चैंपियनशिप में मेरा सिल्वर मेडल आया था, और विनेश जी का पिछले एक साल से कोई भी अचीवमेंट नहीं, उन्होंने कोई भी प्रैक्टिस नहीं की है, इंजरी में जबकि है वो मेरे, जबकि पहले भी कॉमनवेल्थ की ट्रायल हो रही थी तब भी मेरी उनसे तीन तीन से बाउट हुई थी, तब भी मेरे साथ चीटिंग की गई, तब भी मैंने वो किया कि चलो कोई नहीं एशियन गेम्स के लिए मैं अगली बार एशियन गेम्स से ओलंपिक क्वालिफाई करूंगी, लेकिन इस बार बोल रहे हैं कि भाई सीधा विनेश जी को भेजेंगे, ये थोड़ी ना होता है, अभी एशियन गेम्स वो चले जाएंगे, बोल रहे हैं जो एशियन गेम्स में जाएगा वही वर्ल्ड चैंपियनशिप लड़ेगा और वर्ल्ड चैंपियनशिप से जो इसका मेडल आएगा वही ओलंपिक क्वालिफाई करेगा, तो हम इतने साल से मेहनत कर रहे हैं तो हमारा क्या होगा, क्या हम छोड़ दें पहलवानी? इसलिए मैं ये चाहती हूँ कि हमें यह बता दो बस कि उन्हें किस बेस पे भेजा जा रहा है, हमें बस इतना बता दो उनके किस बेस पे, कौन सी अचीवमेंट पे भेजा जा रहा है, और भी लड़कियां हैं, साक्षी मलिक है उन्होंने भी ओलंपिक में मेडल दिया है, उनको भी नहीं भेजा जा रहा, रवि दिया उन्होंने भी ओलंपिक में मेडल दिया जबकि उनको भी नहीं भेजा जा रहा है, फिर ऐसा क्या है विनेश जी में जो उनको भेजा जा रहा है? बस ट्रायल लो, मैं ये नहीं बोल रही कि मैं हराने वाली हूँ, और भी बहुत सारी लड़कियां हैं जो उन्हें हरा सकती हैं, ये नहीं कि मैं ही मैं हराऊंगी, और भी बहुत लड़कियां प्रैक्टिस कर रही है जबकि उन्होंने एक साल से प्रैक्टिस नहीं की है, अब तो यहाँ से ये चले जाएंगे, बोल रहे हैं हम चले जाएंगे, लेकिन आगे क्या मेडल आ जाएंगे ऐसे इनके, ये थोड़े काम भी क्या हम पहलवानी छोड़ दें?